जिंदगी के बारे में कुछ विचार रखूंगा आज। जिंदगी सच है कि झूठ ही लगती अगर अफसाना ना होती। वह जो दृश्य का जगत है एक कहानी है जो तुमने ही रची है और जो तुमने तुमसे ही कही है। जिंदगी एक नाटक है जिसमें निर्देशक भी तुम, कथा लेखक भी तुम, अभिनेता भी तुम, मंच भी तुम और मंच पर टंगे पर्दे भी तुम और दर्शक भी तुम। एक सपना है जो तुम्हारी वासनाओं में उठा और धुएं की तरह जिसने तुम्हें घेर लिया। एक तो जिंदगी यह रही दुकान की, बाजार की, पत्नी बेटे परिवार की और आकांक्षाओं की। संसार जिसे कहा है, और एक जिंदगी और भी है, वह जो भीतर बैठा देख रहा है। देखता है कि जवान था अब बूढ़ा हुआ, देखता था कि तमन्नाएं थी अब तमन्नाएं ना रही, देखता था कि बहुत दौड़ा और कहीं ना पहुंचा, देखता था देखता रहा है, सब आया सब गया, जीवन की धारा बहती रही बहती ही रही। लेकिन एक है कुछ भीतर जो नहीं बहता, जो ठहरा है, जो थीर है, जो अडिग है, वह साक्षी एक जीवन वो है। हमेशा बाहर का जीवन भटकाएगा, भरमाएगा, आपको उत्तर के आश्वासन देगा और उत्तर कभी नहीं आएगा। आपका भीतर का जीवन ही उत्तर है। आप पूछते हो जीवन क्या है, तुम्हें खुद ही जानना होगा, तुम्हें खुद ही अपने भीतर चलना होगा। यदि मैं कुछ बोलता हूँ या उसका उत्तर देता हूँ तो वह उत्तर मेरा होगा। यदि यह उत्तर कोई और देता है तो यह उत्तर किसी और का होगा। वह उन्होंने या मैंने तुम्हारे लिए जानकारी ली होगी और जानकारी ज्ञान में बाधा बन जाती है। जानकारी से कभी जानना नहीं निकलता, उधारी से कहीं जीवन निकला है। बजाय तुम बाहर उत्तर खोजो, तुम अपने को भीतर में समेटो। शास्त्र कहते हैं जैसे कछुआ अपने को समेट लेता है भीतर, ऐसे ही तुम अपने को भीतर समेटो। तुम्हारी आंखें भीतर खुले और तुम्हारे कान भी भीतर को सुने, तुम्हारे नासापुट भीतर को ही सूंघे, तुम्हारी जीभ भीतर का ही स्वाद ले, तुम्हारे हाथ भीतर ही टटोले और तुम्हारी पांचों इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाए। जब तुम्हारी पांचों इंद्रियां भीतर की तरफ चलती है, केंद्र की तरफ चलती है, तो एक दिन वह अहोभाग्य का क्षण निश्चित आता है जब तुम रोशन हो जाते हो। अब तुम्हारे भीतर रोशनी ही रोशनी हो जाती है।
और ऐसी रोशनी फिर कभी बुझती नहीं है, ऐसी रोशनी जो बुझ ही नहीं सकती, क्योंकि वह रोशनी किसी तेल पर निर्भर नहीं है। बिन बाती बिन तेल अकारण है, वही जीवन का सार है। और वही जीवन का क्या है, इन विचारों का सारांश यही है कि जीवन को हमेशा भीतर में ही टटोलना चाहिए, सारे उत्तर भीतर में ही है।